वेलकम वेलकम टू जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस सीटीआई लर्न कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि फिक्स एसेट की एंट्री कैसे परचेज की जाती है। वी फॉर वाउचर और यहां से हम आएंगे F9 से परचेज करेंगे सप्लायर। मैं अस्यूम करता हूं कि जो सप्लायर इनवाइस है SAP001, जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो SAP001 है। पार्टी नेम अभी कुछ नहीं है। अगर पार्टी नेम मुझे मैं क्रिएट कर लेता हूँ AMS, अंशुमान ट्रेडिंग कंपनी। जिस भी पार्टी से मैं गुड्स को परचेज करूँगा वो हमेशा हमारा क्रेडिटर्स में होगा। जिस भी पार्टी से हम गुड्स को परचेज करेंगे वो हमेशा क्रेडिटर्स में होगा। वहाँ से हम उसका स्टेट कंट्री आदि चेक करेंगे। फिर उसके बाद मैं अच्छी करके परचेज अकाउंट बना लूँ कि परचेज अकाउंट नाम का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। परचेज अकाउंट को अंडर परचेज अकाउंट रखेंगे। अप्रोप्रिएट बाई वैल्यू रखेंगे इसको। GST अप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ पर सेट अल्टर GST को मैं हमेशा यहाँ पर नो रखूँगा। और मैं गुड्स पर काम करने जा रहा हूँ तो हमेशा इसको गुड्स ही रखेंगे, ठीक है ना। अभी TDS हम बाद में बताएंगे। और Ctrl+A करके मैंने डेटा को सेव कर दिया। नेम ऑफ आइटम, मान लीजिए हम लोग फैन में डील करते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम में डील करते हैं। तो मैं एक आइटम यहाँ परचेज कर लेता हूँ उषा फैन। अंडर प्राइमरी रहेगा, कैटेगरी अभी नहीं है। कैटेगरी भी क्रिएट करके बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल आइटम, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल गुड्स। जो मेरा गुड्स है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गया। और यूनिट्स अभी नहीं है। मैं आज सी करके यूनिट्स मैं पीसेस में कर लेता हूँ। PCS पीसेस मैं पी प्रेस किया। पीसेस में जो भी यहाँ पर पी से रिलेटेड है वो सारा आ जाएगा। मैंने कंट्रोल से डेटा को सेव कर लिया। सेट DOM को नॉन इनेबल कोड ट्रैकिंग को भी यहाँ पर हम GST अप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ पर यस करके हम अपने सिस्टम को बताएंगे कि जो भी हमारा गुड्स है उस पर जो टैक्स है, मैं एज्यूम करता हूँ कि 18% होता है, फैन पर 18% देना होता है। तो मैं यहाँ पर मैंने गुड्स कर दिया। कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव कर दिया। और यहाँ से एप्लीकेशन नंबर गोडाउन, मान लीजिए जो मेरा गोडाउन है वो दिल्ली में है, ESI, मैंने दिल्ली नाम का गोडाउन क्रिएट कर दिया। जो उषा फैन है वो आएगा तो कहाँ जाएगा, डेली क्वांटिटी मैंने 500 पीस का, रेट 850 कर दिया मैंने। एक आइटम और मैं कर लेता हूँ बजाज फैंस का, बजाज सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिकल गुड्स कर दिया, पीसेस कर दिया, अप्लीकेबल कर दिया, यस कर दिया, ऑन वैल्यू टैक्सेबल। मैं एज्यूम करता हूँ कि इसका जो टैक्स है वो 22% है। कंट्रोल ए से मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि मैं दोनों का जो डिफरेंट होगा, मैं यहाँ पर एक गोडाउन और क्रिएट कर देता हूँ जो मुंबई लोकेशन पे जाएगा। ये मुंबई वाले गोडाउन में जाएगा जो हमारा ऑर्डर 1000 पीस है, रेट है 750 रुपीज़। दोनों आइटम मेरे रेडी हो गए हैं। दोनों आइटम मेरे एंट्री हो गए हैं। अब हम यहाँ पर हमेशा जो भी हमारा गुड्स का कैलकुलेशन होगा उसके बाद ही हम टैक्स को लगाते हैं। ऐड सी करके यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अंडर GST आई फॉर इंटीग्रेटेड टैक्स। कंट्रोल इस करके मैंने डेटा को सेव कर दिया। IGST नहीं आया, मैं इसको यहाँ पर CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST CD डिनोट का सेंट्रल टैक्स
SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स कंट्रोल लेकर के मैंने, हम देखेंगे कि अभी यहाँ पर हमारा खुद भी टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं आ रहा है, तो मैं उसको, मैं यहीं से F11 करके टैक्स को F11 कर दिया मैंने, F11 करके F3 स्टेशनरी एंड टैक्सेशन पे कर दिया, और यहाँ से GST को मैंने अप्लीकेबल कर दिया, GST यस रेगुलर, और SSR प्रायोरिटी को यस कर दिया 1 अप्रैल 2022 से, और इसको मैंने यहाँ पर इन दोनों को भी यस कर दिया, दोनों ऑप्शंस को कंट्रोल ले करके डेटा को सेव कर दिया, फिर से कंट्रोल ले को डेटा को सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं दोबारा से कंफिगर करूँगा इसको, परचेज टैक्सेबल, IGST में प्रेस कर दिया, IGST अभी नहीं आया, कंट्रोल एंटर करके GST को टैक्सेबल, मैं ज़ूम करता हूँ 18% मैंने इस पर टैक्स लिया हुआ है गुड से, कंट्रोल एंटर के साथ इसको मैं एडिट करूँगा, कंट्रोल इंटर के साथ एडिट करूँगा, टैक्सेबल पे जाऊँगा, मैं ज़ूम करता हूँ कि ये 28% है, दूसरा आइटम जो है हमारा वो 28% है, और मैं इसको चेक करूँगा कि अभी हमारा टैक्स आ गया कि नहीं, CGST यहाँ पर आ गया है, और मैं यहाँ पर SGST, मैं आपको बताना चाहूँगा कि IGST यहाँ पर जो हमारा 11,75,000 का जो दोनों का टैक्स है वो आ गया है, कंट्रोल लेकर के मैंने डेटा को सेव कर दिया, वाई फार यस एक्सेप्ट डेटा। अब मुझे इसको देखने के लिए, मैं लास्ट वाउचर को देखने के लिए और उस पर क्या कितना कितने परसेंट क्या टैक्स है वो सब देखने के लिए मैंने पेज अप की का यूज़ किया, और Alt+A और Alt+F1 की को प्रेस किया, जो मेरे गुड्स, जो मेरा बजाज सीलिंग फैन है वो 7,50,000 का है, जो मेरा गुड्स है वो 7,50,000 का है, 7,50,000 में वो जो बजाज सीलिंग फैन है वो 28% के हिसाब से उसका 2,10,000 टैक्स बना हुआ है, और जो उषा फैन है वो 4,25,000 का है, 4,25,000 का 18% के हिसाब से 76,500 का टैक्स बना हुआ है, ठीक है ना। और हम यहाँ से इसका एक दूसरा इफेक्ट और भी देखते, डी फॉर बैलेंस शीट Alt+F1 में हम देख लेंगे, जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, जो ड्यूटी, जो करंट लाइबिलिटी हमारा 2,10,000 दिखा, जो हमने परचेज किया है वो परचेज, वो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस 2,10,000 यहाँ पर हमें दिखा रहा है, माइनस का मतलब ये हुआ है कि ये टैक्स मैंने ऑलरेडी परचेजिंग करते वक्त अपने कस्टम, अपने सप्लायर को मैंने पैसे दे दिए हैं, अभी मुझे यहाँ पर टैक्स देने की आवश्यकता, जब हम गुड्स को सेल्स करेंगे जो भी 2,10,000 से जो भी ज़्यादा अमाउंट होगा उसको हमें पे करने की आवश्यकता है, अभी हमें इसको पे करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से हम देख लेंगे कि क्रेडिटर्स, जो हमारा क्रेडिटर है जिससे मैंने अंशुमान ट्रेडिंग कंपनी से जो अप्रैल महीने में परचेज दो आइटम मैंने परचेज किया था, वो आइटम मेरा परचेज अकाउंट में दिख रहा है। अगर परचेज अकाउंट की रिपोर्ट देखने के लिए मैं डायरेक्ट DAP से परचेज की का यूज़ करके एंटर करते हुए चला जाऊँगा, और बता देगा कि हमारा, हमने कौन सा प्रोडक्ट किस आइटम नंबर पे किस डेट को कैसे कहाँ से परचेज किया था। मैं गेटवे आप पहले पे आ जाता हूँ। आज का हमारा ये चैप्टर गुड परचेजिंग का समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।